आरजेडी से भी कुछ ऑफर आते हैं कि नहीं? तेज प्रताप यादव बहुत क्लोज माने जाते हैं पवन सिंह के। एकदम ऑफर आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत खुश है, काहे नहीं खुश है। कोई दोस्त का जिंदगी बसेगा फिर से तो काहे नहीं खुश रहेंगे। लोकसभा चुनाव में तो निश्चित है कि पवन जी लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। पहला प्रेफरेंस तो आ रहा है या बिहार होगा? इनका भी इज्जत सम्मान का बात था, अपना सब लोग दोनों आदमी मिल गया, अच्छा चीज़ है, इज्जत सम्मान बढ़ा ही ना उससे। मार्केट में जो रिमर था वो खत्म हो गया। लोग बड़ा कहता था लोग कि उनके करीबी लोग पवन सिंह जो है वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का परिवार बसे, और आप लोग कह रहे हैं कि अब एक हो गए तो और अच्छी बात। जो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, बड़ा बढ़िया फोटो आया था है, वो लोग भी बोले हुए हैं कि पवन जी लड़ी, अच्छी बात है। विरोधियों का मुंह काला हो जाएगा अब पवन सिंह मैदान में उतरेंगे तो। निश्चित हो तो मैदान में उतरेंगे ही, पवन सिंह तो निश्चित उतरेंगे। अब ज्योति सिंह भी दिखेंगे प्रचार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। में रैना सिंह और हमारे साथ अभी पुतुल सिंह है जो कि पावर स्टार पवन सिंह के प्रिय मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। और आपने सुना भी होगा जब हम इंटरव्यू ले रहे थे पावर स्टार पवन सिंह का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुतुल सिंह जो है हमारे बचपन के मित्र हैं और आज का संबंध नहीं है, 20-25 साल का। अभी जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह का फोटो वायरल हो रहा है और हमने जो DP लगाया गया है व्हाट्सएप पे पवन सिंह के द्वारा, उसके बाद पूरा भोजपुरी जगत में खलबली मच चुका है। और देखिए कई सारे सिंगर जो हैं यहाँ पे हैं, रिया जी यहाँ पे है और जिया खान यहाँ पे हैं, मोबाइल चला रही हैं। और एक दुखद खबर भी आई है, 8 जो कलाकार हैं भोजपुरी की वो अब नहीं रही हैं। और ये कौन कौन थी मैडम? उनको पता है, तानिया जी को पता है। तानिया जी को पता है। कौन कौन थी मैडम? सिमरन श्रीवास्तव और आंचल तिवारी। कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है जिंदगी का ना जी। और ये दुखद क्षण है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से एक दुखद क्षण भी यहाँ पे आया है, और दूसरी तरफ जो है पावर स्टार पवन सिंह को लेके एक सुखद खबर भी आ रही है पूरे भोजपुरी जगत में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? का कहें हम, हमारा मैंने खुश बानी है एज ए फ्रेंड, आप खुश हैं इसको किस तरीके से देख? काहे नहीं बहुत खुश है, काहे नहीं खुश है। कोई दोस्त का जिंदगी बसेगा फिर से तो काहे नहीं खुश रहेंगे। अब लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि भाभी भी आएंगे, दीपक सिंह ने कहा भी है हमारे इंटरव्यू में कि वो भी साथ में जो है चुनाव प्रचार करेंगी। सब लोग करेगा, अच्छा बात है, कहे नहीं करेगा, करना भी चाहिए, एकदम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो निश्चित है कि पवन जी लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, वो कहीं भी हो जाए। पहला प्रेफरेंस तो आ रहा है या बिहार होगा? ये तो पार्टी तय करेगा। भाजपा से ही लड़ेंगे या RJD जदयू से भी उनको ऑफर आ रहे होंगे? जदयू अभी नीतीश कुमार से वो मुलाकात भी किए थे मुख्यमंत्री से, तो वहाँ से भी ऑफर आ रहा होगा उनको? ये सब दीपक जी जानते हैं, हम नहीं जानते। आप बस जो है साथ देते हैं उनका बस। पवन सिंह मूड में है बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ विकास यादव भी है जो सूर संग्राम के दूसरे सीजन के विजेता है और बगल में है, और ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए और जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। और कई सारे सवाल हम इनसे, आप ही के घर पर आज प्रोग्राम हुआ है, भाई का तिलक था और सब लोग, हम लोग एक परिवार है और परिवार के नाते सब कोई आया हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं लोग कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए, दूसरी तरफ हमने ज्योति सिंह के पिताजी से भी बात किया है टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा है कि हमें इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, हम पैसा के लोभी नहीं है, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, इज्जत मिल जाएगा उसी के लिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा बात है ना, कोई भी का भी इज्जत सम्मान है, इनका भी इज्जत सम्मान का बात था, अपना सब लोग दोनों आदमी मिल गया, अच्छा चीज़ है, इज्जत सम्मान बढ़ा ही ना उससे, घटेगा थोड़े। मार्केट में जो रिमर था वो खत्म हो गया। लोग बड़ा कहता था लोग कि उनके करीबी लोग पवन सिंह जो है वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का परिवार बसे, और आप लोग कह रहे हैं कि अब एक हो गए तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लोग देखिए YouTube देखिएगा तो 100 तरह का न्यूज होता है, लेकिन भीतर जाइएगा तो कुछ और रहता है। आप जल्दी आते भी हैं, नहीं है ऑन कैमरा, ये हमारे घर के बगल नहीं रहता लेकिन ये जल्दी कैमरे पे नहीं आते, हम आज इनको जबरदस्ती रोक लिए हैं यहाँ पे। और जब पिछली बार आए थे तो भावुक होकर इन्होंने रोया था पवन सिंह के लिए, अपने मित्र के लिए, और वो वीडियो काफी लोगों ने देखा था और कहा था कि दोस्त हो तो ऐसा हो जो कि अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए जो है वो रोता है और ऑन कैमरा रोता है, क्योंकि ये भी चाहते थे कि पवन सिंह का परिवार बसे। अच्छा, अब जो है चुनाव की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्या आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव को? लोकसभा का एजेंडा सब कोई विकास ही ना चाहता है कि हम जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़े उसका विकास करें, आगे बढ़ाएं।
आगे बढ़े। अब ज्योति सिंह भी दिखेंगे प्रचार में, हो सकता है, क्यों नहीं। दीपक सिंह तो कहे हैं, तो दीपक सिंह कहे हैं तो 100% सही बोले होंगे। आपको लगता है अगर ज्योति भाभी और पवन सिंह एक साथ प्रचार में आए तो पूरा धमाल मचेगा, विरोधियों का जो है जुबान जो है वो बंद हो जाएगा, विरोधियों का मुंह काला हो जाएगा। अब पवन सिंह मैदान में उतरेंगे तो निश्चित हो तो मैदान में उतरेंगे ही, पवन सिंह तो निश्चित उतरेंगे। माँ का बात बड़ी मानते हैं पवन सिंह, मैया ने उनको कहा है कि इस बार लड़िए। जो धरती पर जन्म दिया है उसका बात तो मानना के, उसका हुक्म सराखों पर है जी। उन्होंने पवन सिंह को धरती पर लाया है जी, तो उनका बात तो सबसे पहले उन्हीं का बात मानेंगे। बिल्कुल, तो इस बार जो है वो चुनाव आप लोग भी साथ में जाइएगा, कैंपेन उम्पेन करिएगा। 3 महीना कैंपेनिंग में रहना ही है। लेकिन देखिए, सूत्र कह रहे हैं कि पवन सिंह को आसनसोल से मिल सकता है, लेकिन पवन सिंह चाहते हैं कि बिहार में मिले। आपको क्या लगता है, बिहार में मिलना चाहिए, आरा में मिलना चाहिए, आरा के अगल बगल ही बिहार में कहीं मिलना चाहिए? अब ये सब पार्टी तय करेगी, हम लोग नहीं बता सकते। राधा मोहन सिंह का भी टिकट कटने का चांस है क्या? अभी सब ऊपर 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 ऊपर, हम लोग नहीं, आप सब जानते हैं लेकिन बताइएगा नहीं सब... लेकिन जहां भी लड़ेंगे वहां आप रहिएगा साथ में कभी भी, वो तो 24 घंटा साथ में रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पवन सिंह लोकसभा में जाएंगे लग रहा है इस बार? एकदम जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। आरजेडी से भी कहा जाता है कि करीबी हैं पवन सिंह, आरजेडी से भी कुछ ऑफर आते हैं कि नहीं? तेज प्रताप यादव बहुत क्लोज माने जाते हैं पवन सिंह के। एकदम ऑफर आते हैं, बिल्कुल आते हैं आरजेडी से भी ऑफर। खुद पवन जी ने ही बोला है इस चीज को, आरजेडी से भी ऑफर आता है। जदयू नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, बड़ा बढ़िया फोटो आया, हो सकता है वो लोग भी बोले हुए हैं कि पवन जी लड़ी, अच्छी बात है। स्टार प्रचारक रहे हैं पवन सिंह, 85 से ज्यादा जो है वो सभाएं किए हैं, 2014 से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी 2019 में उनको जो है सीट नहीं मिली, तो इससे काफी खफा भी हो गए थे। इस बार वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। कोई मेहनत करेगा तो उसको फल चाहिए ना, मान लेते हैं ठीक है 10 वर्ष तो पार्टी का सेवा करवे न किया, तो एक समय आता है कोई भी चाहता है कि सब लोग हो गया है, मेरा ही बारी है जी। तो इसलिए सबको मतलब अभी सुबह से मेहनत करिएगा तो शाम को चाहिएगा ना कि कम से कम घर आए तो बिल्कुल उसका ही हो, रिजल्ट आए बिल्कुल। तो इस बार जो है पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है, ये बड़ा खुलासा हुआ है, और चुनाव जो है वो कहां से होगा ये अभी देखने वाली बात है। बाकी पुतुल सिंह जो है वो जल्दी कैमरा पे नहीं आते, हमारे घर के बगल में ही रहते हैं पुतुल भैया, हमको तो छोटे से बचपन से ये देखते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ये सामने नहीं आते हैं। लेकिन आज इनको जो है पूछना अवश्य किस लिए पड़ गया था, जो वायरल फोटो हुआ है उसका, अच्छा फोटो तो सही है ना, तो सब जगह कह रहे लोग सही है ना, मीटिंग हुआ था लखनऊ में ही हुआ था, आपको पता था ये बात? पता था। अप्रोच किसने किया था, ज्योति सिंह ने किया था या पवन सिंह ने किया था, कि दोनों के द्वारा? दोनों के द्वारा हुआ, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, लखनऊ में ही मीटिंग हुआ था। तो ज्योति सिंह पवन सिंह जो है खाना उना भी खाए थे, डिनर उनर भी हुआ था, सब कुछ था उससे, कोई मतलब जब मिलेगा लोग तो खाएगा लोग, नहीं कोई दुश्मन थोड़े है लोग। आप गए थे कि नहीं? ना हम आराम में था, आराम में थे। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि साथ साथ जो है लखनऊ में मीटिंग हुई है और अच्छे तरीके से मीटिंग हुई है और पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट वो जा रहा है। बाकी खबर में इतना ही, आप देख रहे थे ऐसा एक बात, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर बताइए, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज माइक नहीं था, हमारा माइक बनने गया, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत, आप देख रहे थे ऐसा एक बार, धन्यवाद।